नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे HMI के बारे में। HMI का फुल फॉर्म है ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू मैन और मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो रेगुलर बेस डे टू डे लाइफ में जैसे हम ATMs वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें एक स्क्रीन मिलती है और उस स्क्रीन के थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मनी विड्रॉवल है, मिनी स्टेटमेंट चेकिंग है, OTP वेरिफिकेशन है एंड बहुत सारे हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं या इंटरफेस कर सकते हैं मशीन के थ्रू। ऐसे ही इंडस्ट्री में अगर हमें किसी भी मशीनरी के ऊपर उसे रिमोटली ऑपरेट करना है थ्रू अ स्क्रीन, या हमें किसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरीके की अगर हमें कुछ चीजें चाहिए तो हम वहां पे HMI का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली जो HMI है वो एक तरीके का यूजर इंटरफेस होगा जिसके थ्रू मैन और मशीन आपस में, या फिर मैन और डिवाइस जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक HMI स्क्रीन है जिसके थ्रू हम उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो HMI सिस्टम है एक तरीके का प्रोग्रामिंग टर्मिनल हो सकता है या एक तरीके का इंटरफेस होगा जिसके थ्रू हम कोई भी मशीन को मैन्युअली या ह्यूमंस के इंटरफेस के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब HMI सिस्टम्स बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूज को देखना है, मुझे एक स्क्रीन दी गई, एक मशीन है मेरे पास जिसके अंदर मेरे पास हीटर लगा है और मुझे उसका टेम्परेचर चेक करना है, तो हमें स्क्रीन के ऊपर उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उस डेटा को, टेम्परेचर को देख सकते हैं कैसे वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई ग्राफिकल फॉर्मेशन पे मुझे चेक करना है जैसे कि मेरा प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेवल टैंक में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या फिलिंग का प्रोसेस मुझे वेरीफाई करना है, या किसी मशीन के अंदर कोई अलार्म सिस्टम जनरेट हो गए वो विजुलाइज करने हैं, या किसी फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें रेसिपीज का अगर इस्तेमाल करना है कि हमें रेगुलर बेसिस पे या वन डे या टू डेज के बाद हमें रेसिपीज चेंज करनी पड़ रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, देन हम एक स्मॉल स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम HMI कहते हैं। अगर मुझे रिमोटली जैसे स्क्रीन के थ्रू हमें किसी मोटर को ऑन ऑफ करना है या कोई भी प्रोसेस हमें ऑपरेट करना है, जैसे मोटर का RPM मुझे कम इंक्रीज डिक्रीज करना है, देन हम वो सारा काम एक स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं जिसे हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में HMI कहते हैं। या फिर इनपुट आउटपुट का स्टेटस हमें चेक करना है कि भाई कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेट हो रहा है हमारा, तो ये सारी जानकारी हम HMI के थ्रू ले सकते। तो बेसिकली HMI एक तरीके का प्रोग्रामिंग टर्मिनल है जहां से ऑपरेटर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस एक्टिविटीज चल रही हैं उसको मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, ऑपरेटर जो है एक्सेस कर सकता है अलार्म्स को। थर्ड, ऑपरेटर कैन मॉडिफाई द यूजर डिफाइंड वैल्यूज। जो भी यूजर ने पहले से कुछ वैल्यूज डिफाइन की होगी, अगर हमें उस वैल्यूज को कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है देन हम वहां पे HMI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं HMI एंड स्काडा के।